नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवपुरी में प्रेस वार्ता के दौरान अपने बयान में कहा कि 215 महीने से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें से 190 महीने शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं। हमारी सरकार 15 महीने रही, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में चले गए। आज मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगा जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई नई बात नहीं की। मैंने स्वयं इस बात को कई बार दोहराया है कि वह किसी पद का आकांक्षी नहीं हूं। मेरा लक्ष्य, मेरा सपना मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने का है। मैंने अपने सारा जीवन, अपनी जवानी समर्पित कर दी मध्य प्रदेश के लिए। अभी 15 दिन पहले ही मेरे साथ दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर और मुरैना में मौजूद थे, मेरे साथ अरुण यादव जी मौजूद थे, श्री अजय सिंह जी मेरे साथ उमरिया में मौजूद रहे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज आयोजित किया था, जिसमें स्थानीय उम्मीदवारों की बात निकली। तब मैंने पत्रकार बंधुओं से कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे है, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा का नहीं हूं, छिंदवाड़ा जिले की सोनसर विधानसभा का हूं। मेरा निवास सोनसर विधानसभा के अंतर्गत आता है। सोनसर वाले मुझसे कहते हैं कि आप सोनसर से चुनाव क्यों नहीं लड़ते। मैं उनसे कहता हूं कि मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है और कम ही लोगों ने सोनसर का नाम सुना होगा। मैं कुछ समय बाद तय करूंगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है, सोनसर या छिंदवाड़ा से। मैंने उस संदर्भ में यह बात की थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात की गई थी। मैं अकेला भाजपा की विकास यात्रा को निकास यात्रा नहीं मान रहा, प्रदेश की जनता भी ऐसा ही मानती है। कल मेरे निवास पर पत्रकारों का भोज आयोजित किया था। सभी पत्रकार ने मुझे सच्चाई बताई। दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं के विषय में फैसला हमारा स्थानीय नेतृत्व करेगा। हम जिला स्तर के संगठन से चर्चा करके आगे फैसला लेंगे, लेकिन हम किसी को टिकट का आश्वासन यदि कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन टिकट देने का फैसला स्थानीय नेतृत्व व संगठन ही करेगा। मैं किसी को भी झूठे आश्वासन कभी नहीं देता। उमा भारती जी को सरकार से बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह अपनी नीति बनाएंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तब हम अपनी नीति बनाएंगे। न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा आप कहाँ से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ, मैं छिंदवाड़ा ज़िले में सौंसर का हूँ और सौंसर छिंदवाड़ा ज़िले में ही है। मेरा गांव जो है सौंसर में आता है, तो मेरे से ये कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सो सौंसर विधानसभा में मेरा गांव आता है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। आप विकास यात्रा को निकास यात्रा मान के चल रहे हैं क्या? मैं नहीं मान रहा, पूरा प्रदेश मान रहा है। आप पूरी जगह तो जाइए, आप केवल अपने यहाँ। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।